जी कैसे हैं सब दोस्त। उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे, खैरियत होंगे, फिट होंगे, फाट होंगे, जहाँ भी रहो खुश रहो। आज दी वीडियो बनाने का बड़ा ही मकसद यार, और तुहानू मैं क्या दिखावा, डेरे ते शुरू की थी और साढ़े पिंडा वाले बंदे आस्ते बड़ी जिहड़ी है ना एक किस्म लोग अफसोसनाक गल भी है, और असीं दुआ भी कर रहे हैं अल्लाह ताला अगे कि बस कर दे रब्बा सोनिया। लेकिन शहर के बंदे जिहड़े रहिंदे ने शहरां दे विच वो कहिंदे ने अल्लाह सोनिया होर इस तरह का मौसम बना और इंजॉय करिए, बारिश भी आए, तेज़ हवावां भी आन, बदल भी आन, सानी असी जिहड़े आ ना इंजॉय कर सकीए फुल। लेकिन असी पिंड वाले साढ़े बंदियां कोल पुछ के वेखो कि इस टाइम साढ़े ते की बनी हुई है यार। तुसीं पिछे देख सकते हो सारी फसल लम्मा पै गई, किस वजह तो पै गई, तेज़ हवावां, बारिश, क्योंकि असी स्पैशली ए दिन जिहड़े ए फसल तैयार होंदी है ना ए दिन आ गए, तो असी दुआ मंगने अल्लाह सोने ना तो बारिश होए और ना ही तेज़ हवावान, क्योंकि जे तो फसल लम्मा पै गई तो तबाह हो जाती, बहुत नुकसान होंदा पिंड वाले बंद किसानों। देखो जी मौसम तो वाकई बहुत प्यारा है, बहुत जबरदस्त है, लेकिन साढ़े वास्ते नहीं है। यह देखो यह सारी फसल ये वो फसल जी खड़ी हुई थी जिड़े मैं पिछले विलोक से तुम दसिया ही कि माशाला सिटे निकलना शुरू हो गए ने और फसल बिल्कुल जेड़े ना तैयार हो चली है। लेकिन यह देखो तुम कि किस तरह बिल्कुल जी है ना ये लम्मा ही पै गई, ठीक है, और यह देखो सिटा बिल्कुल तैयार है, ठीक है, और कम अज़ कम ये होर ये तकरीबन एक महीने के बेच इन्हें बिल्कुल पक जाने। लेकिन यह देखो सारी तो लम्मा पै गई है यार, और यह एक पहली नहीं है, इस तरह जिन्हें भी पिंडा के रेंदे ने जिन्हें भी किसान ने जिन्ना भी फसल लगाई है सारे की सूरत हाल यही है। यह देखो दरम्यान च कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी खड़ी है, बाकी जी है बिल्कुल लम लेट हो चुकी है, ठीक है, और यह सानू बहुत ज़्यादा नुकसान होंगे। नुकसान किस तरह लम्मा पई है भी मैं तुम दसागा अगे जाके। इस तो पिछली वारी पिछले साल जो हुई थी बारिशा तेज़ हवावान, लेकिन इन्ना नुकसान नहीं सी होया जिन्ना हूँ हो रहा, और हजे भी कहा जा रहा कि जड़ा ना इंटरनेट से ठीक है कि मजीद बारिशा होनी है, हो सकती है, ठीक है, उस तो बाद हवावां भी आनी है तेज़ हवावां। लेकिन इस टाइम दो दिन तो जड़ा बारिश हो रही है, मौसम तकरीबन अज भी जड़ा है खराब ही है, कभी धुप निकल आती है कभी नहीं। शहरों वास्ते इंजॉय करो शहरी बंदे हो, बाकी चलने चाचू को उन्होंने भी पूछने कि कहें इस बारे में पहुँच चुके उन्होंने को, और हवेली ने कम शम कर रहे हैं पट्टे शट्टे पा रहे हैं, जाके पूछने कि कहें इस बारे। लेकिन यह जी फसल है ना यह देखो यह फिर भी शुक्र अल्लाह का कि खड़ी हुई है, ठीक है, गंदम की फसल जी है इन्हें भी थोड़ी थोड़ी जी है ना वो लम्मा पई है, नुकसान होया थोड़ा, बाकी यह भी खड़ी है, लेकिन इन्हें भी यह देखो ना थोड़ी थोड़ी है, तो बाकी होर भी कुछ है ने, इसलिए मैं कह रहा कि अल्लाह ना करे कि अगर फिर बारिश हुई तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तुम दस रहे कि फसल लम्मा किस तरह पैंती है, मतलब डिग दी कद होवे ना, ए हुण गंदम दा बूटा है, हाँ जी ठीक है ए मतलब यानी कि एडी एडी जड़ नहीं है, छोटी जड़ है, सही, छोटी जड़ होने दे नाल एदी मजबूती घट हुंदी है, सही, उत्ते हुंदा वजन है, वजन तो मुराद के है सिट्टा, वेखो वजन जदों बारिश पैंदी है ए नरम हो जांदी है, नरम होण तों बाद फिर जदों हवा चलदी ए नाल ही आई लम्मिया पै जांदा, मतलब डिग पटे जड़ मतलब के कुदरती अमल है ना, गंदम दी जड़ छोटी हुंदी, जड़ होवे वड्डी ते फिर ए डिगदी नहीं छेती है, अच्छा एवे ना ए हुण इन्ना ए जड़ है सही तां डिगदी है फसल, अच्छा इन्ना मतलब इन्ना दी जड़ा इन्नियां मजबूत नहीं होंदियां, गंदम दी एडी जड़ नहीं ना मजबूत होंदी, गंदम चावलां दी जिहड़ी फसल होंदी ओ उहनां दी होंदी है ते नाले उत्ते ही होंदी है, सही ठीक है, ओ फिर जदों बारिश पैंदी है ते जड़ नरम हो जांदी है, हवा चलण दे नाल ही फिर ओ लम्मिया पै जांदी है, खाद का छटा ज्यादा आया है ना, वो फिर अपना ज्यादा जोर मार दी अपना फसल,
तो जोर मारन तो बाद फिर अपने मतलब के फिर लम्या पै जी नहीं बर्दाश्त कर सकती वो फिर अपना खाद का घट छटा लगा है वो अपना जरा कमजोरी है वो नहीं डिगे ये सिटा वजनी सी ये जा पी कद ज्यादा है चाचू पिछले साल भी कि नुकसान हो पिछले साल भी काफ़ी नुकसान होया पिछले साल भी बारिशा हो गई है ना अच्छा तो बारिशा होने के नाल ही फिर अपना हवा चल गई इस तरह शहरों के बंदे तो बड़े मजे करते हैं कि जी बड़ा प्यारा मौसम बन गया इंजॉय करिए लेकिन निजामे कुदरत ना किसी वास्ते बेहतर है किसी वास्ते अपना नुकसान फसलों वास्ते नुकसान दे मौसम तो सारे वास्ते ही खुशगवार है लेकिन फसल वास्ते जो ना मतलब गंदम की फसल तैयार है बारिश और अंधेरी जी नुकसान दे लेकिन असं ये भी कह सकते साढ़े पिंड नहीं सही खास तौर पर है जो फसल तैयार होंगी फसल नहीं ना सही फसल सही नहीं तो फिर सारी गल नहीं सही नुकसान दे बाकी कुदरत का निजाम है कुदरत के निजाम के अगे तो नहीं हर एक बेबस है इस तरह ही है सही है लेकिन है फिर भी माशाल्लाह चलो खड़ी हुई है फसल ये पानी का कुछ थोड़ा जा घाटा वाधा हो गया इतना पिया पहला सी मतलब अच्छा ये भी होंगे कि पहले पानी भी ला दें देने तो फिर नाल ही बारिश हो गई नाल बारिश हो जाए तो फिर जल्दी नमी पै जाए जी जनाब तुसी गल्लां सुनिया चाचू होना दी इस तरह फसल डिगदी है ठीक है किस तरह जिहड़ा ना जो बारिश आती है बारिश आ के जमीन जिहड़ी नरम हो जाती है और नाल ही जो हवा आती तेज़ हवा आती है तो फिर वो कंट्रोल नहीं होता जिहड़ी इस सिटे की जड़ होती है वह थलों डिग जाती है तो फिर लम्मा पै जाते हैं ठीक है और क्योंकि इन्हों का वजन ज़्यादा होंगे और जो वजन ज़्यादा होंगे देखो तुसी सड़िया भी होना ठीक है इस तरह फिर इन्हों के जेडे बी है गंदम दे बहुत घट निकलते हैं ठीक है यह चीज़ा से जिड़िया मैं दसनिया से मैं बिलोक जोड़ा ना लाजमी बनाना यार और दसा गए थोड़ी मेहरबानी शहर आओ दुआ ना करया करो बाकी एक दर्द निजाम है बस क्योंकि कुछ भी नहीं कह सकते असं की कर सकते हैं दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह तला जोड़ा है सबनों एक तो अपने हिफ्ज़ोमान च रखे और दूसरा अल्लाह तला साढ़े किसान से भी करम करे फजल करे दैन करे।